मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड क्षेत्र के सिरकाही पंचायत में महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि प्रकाश रंजन, अभय कुमार सहित सिरकाही पंचायत के मुखिया संगीता कुमारी मौजूद थे। वही आपको बता दें कि कार्यक्रम का संचालक सुदर्शन मिश्रा पूर्व मुखिया के द्वारा किया गया। पंचायत के सभी प्रतिनिधि के साथ महिला ग्राम सभा के अनूठा आयोजन कर गांधी जी के सपना को साकार करते हुए ऐसे सशक्त पंचायत की नींव रखी गई जो जमीनी स्तर पर सुशासन के सपने को साकार करता है एवं महिलाओं के स्थानीय प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम के दौरान पंचायत के 25 से ज़्यादा महिलाओं एवं किशोरियों द्वारा स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आजीविका एवं सुरक्षा को लेकर अपने अनुभवों का साझा किया गया। इसमें और बेहतरीन करने के लिए महिलाओं को समूह के माननीय मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा पंचायत स्तरीय मांग पत्र दी गई। सर उसको देख रहे हैं, सबके लिए आ गया जी। बताइए, चैंपियन कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है आपका? आज सिरकाही पंचायत में महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य है कि स्थायी शासन जो पंचायत स्तर पे जो विभिन्न प्रकार की बैठकें होती हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और महिलाओं को भी मुद्दे पे पंचायत जो है कुछ क्रियान्वयन करे अपने स्तर से। तो आज जो हम लोग महिला ग्राम सभा का आयोजन किए हैं, बिहार पंचायती राज एक्ट में महिला ग्राम सभा बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संस्था जो सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज जो चैंपियन योजना का क्रियान्वयन मुजफ्फरपुर जिले में कर रही है, ये बिहार के क्रियान्वयन कर रही है और पंचायती राज एक्ट में बदलाव लाना के लिए भी प्रयास कर रही है ताकि महिला ग्राम सभा के आयोजन कर और महिलाओं के जुड़े मुद्दे हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा है, उनके सुरक्षा है, उनके रोजगार है, आजीविका है और इससे जुड़े हुए मुद्दे पे पंचायत चर्चा करे और उससे संबंध में उसके संबंध में प्रस्ताव लिया जाए और उन प्रस्तावों को ग्राम सभा में रख के उसे पारित करवाया जाए और इन जो भी ग्राम सभा में मुद्दे पारित हों उसको GPDP में शामिल करके उसको योजनाबद्ध तरीके से काम हो। इस प्रकार की पहल जो है संस्था के द्वारा की गई है और बिहार में ये पहली बार हो रहा है कि महिला ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। इससे पहले भी 4 महिला ग्राम सभा का आयोजन संस्था की ओर से किया गया है और ये 5वां ग्राम सभा हम लोग महिला सिरकाही पंचायत मुजफ्फरपुर जिले में हम लोग ने सुनिश्चित किया है। कुछ महिलाएं का सर यहाँ पर समस्या देखी गई है, उन लोगों कब तक की समस्या का हल कर दिया जाए? जैसा कि मुखिया जी और पूर्व मुखिया जी के द्वारा आश्वासन दिया गया, क्योंकि देखिए हम लोग संस्था स्तर पर पंचायत को हम लोग अकाउंटेबल कर रहे हैं पंचायत की महिलाओं के मुद्दों के ऊपर में, संस्था के तरफ से डायरेक्ट रूप में इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी बल्कि हम लोग पंचायत को इस तरह से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पंचायत खुद मुद्दों को समझे और उस पर जो है, क्योंकि पंचायत के पास खुद ही अब बहुत सारे अधिकार हैं, यदि उन अधिकारों का वो पालन करती है तो महिलाओं का जो समस्या है उसको सुदृढ़ किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है और निश्चित रूप से एक मतलब सरकार की एक सहयोगी संस्था के रूप में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज जो भी आज हम लोगों का एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा है यहाँ पे उसको हम लोग सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों को और मंत्रालय तक हम लोग रखने का काम करेंगे और सरकार के पास एक फीडबैक भी हम लोग देने जा रहे हैं कि पंचायती राज कानून में जो है ये बदलाव बहुत जरूरी है और हर ग्राम सभा से पहले महिला ग्राम सभा का आयोजन निश्चित रूप से कर। मेरा नाम प्रकाश रंजन हुआ और मैं वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक हूँ सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज पटना से। धन्यवाद। सभा में यहाँ उपस्थित तमाम महिलाओं का धन्यवाद देती हूँ और यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठे जो महिला के विकास के लिए, महिला का विकास हो इस संबंध में, महिला को जो अपना कमी है उस सबके धरती से उठ करके ये सब सवाल आए हैं जो मैं आगे कोशिश करूँगी कि इस बात को मैं आगे अपने पंचायत में लागू करने की। मैडम, वो महिला का समस्या था उसका कब तक हो जाएगा समस्या का समाधान? समस्या का समाधान तो लगभग हो चुके हैं जो वो आंगनबाड़ी के बारे में चाहिए। मैडम परिचय दीजिए। मैं संगीता कुमारी सिरकाही पंचायत मुखिया, हमारे साथ है गौरी देवी, गौरी देवी जिला परिषद।